मात्रा ध्यान रखना, 1, 2, 3। सम मात्रा का त्रिफला बहुत रेयर केस में इस्तेमाल होता है। एक या दो ही बीमारी है, अभी मैंने एक जगह इस्तेमाल किया था, एक वैज्ञानिक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, उनको एक बीमारी हुई रेडिएशन से। रेडिएशन आप जानते हैं सभी एटॉमिक सेंटर, तो उनका पूरा शरीर सड़ गया, एकदम सड़ गया, जगह जगह घाव, जगह जगह, और उसमें से खून निकलता, मवाद निकलता। वो बेचारे इतने परेशान, इतने हैरान, कहां कहां जा जाके, अमेरिका, कनाडा, सब जगह, कुछ इलाज हुआ नहीं, कोई रिलीफ मिला नहीं, कपड़ा भी नहीं पहन सकते, ऐसी स्थिति थी, हमेशा नंगे बदन रहते थे। तो ऐसे ही किसी ने मुझे उनके बारे में बताया, बम्बई तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ, कि राजीव भाई एक ऐसे व्यक्ति है, तो मैं उनको गया था मिलने और देखने, तो मैंने देखा सच में हालत बहुत खराब थी। सब मैंने उनसे कहा कि आप बहुत परेशान हैं, हाँ बहुत परेशान हैं, दवा सब काम लेके देख लिए, कुछ उपयोग होता नहीं। मैंने कहा मैं होम्योपैथी दूं, उन्होंने कहा होम्योपैथी मैं नहीं लेना चाहता। तो मैं पूछा चलो आप फिर एक काम करो, त्रिफला चूर्ण खाओ बस, और कुछ मत करो। तो उन्होंने त्रिफला चूर्ण शुरू किया, ये मैंने बताया 1, 2, 3 शुरू किया। 3-4 महीने में रिजल्ट बहुत थोड़ा आया, आया थोड़ा आया। फिर मैंने कहा मात्रा बदल के देखते हैं। फिर उनकी सब मात्रा की मैंने, बराबर जितनी मात्रा आंवला, बराबर उतनी मात्रा बहेड़ा, बराबर उतनी हरडे। अभी स्थिति ये है कि वो बिल्कुल ठीक है, 1.25 साल उनको हुआ त्रिफला खाते खाते, बिल्कुल ठीक है, और पहले से ज्यादा प्रफुल्लित है, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक है। आप जानते हैं रेडिएशन का दुनिया में इलाज नहीं है, ये उदाहरण मैंने जानबूझ के दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास, रेडिएशन का दुनिया में इलाज नहीं है, लेकिन त्रिफला चूर्ण के पास उसका इलाज है। अगर यही त्रिफला चूर्ण अमेरिका में हुआ होता ना, यूरोप में हुआ होता, तो अब तक इस पर पेटेंट लेकर करोड़ों डॉलर कमाए होते उन्होंने। ये हमारे यहाँ प्रचंड मात्रा में है, हर घर में है, हर गांव में है, इसलिए हमें इसकी कीमत नहीं मालूम। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके सोचने का नजरिया बदल दीजिए। प्रकृति ने जो चीजें प्रचंड मात्रा में हमको दी है वो उतनी ही कीमती है। वो प्रकृति की हमारे ऊपर कृपा है जो हमारी जरूरत के हिसाब से दी है। आंवले का इतना उत्पादन इस देश में होता है आप जानते, बहेड़ा इतना मिलता है, हरडे इतना मिलता है, और लगभग फोकट की स्थिति में मिलता है। अब पता नहीं कौन कौन लोग उसी आंवले को 200-250 रुपए किलो च्यवनप्राश बना के बेच लेते। ये जो च्यवनप्राश है ना, ये त्रिफला चूर्ण से कई कई गुना नीचा है। च्यवनप्राश पे जितना खर्चा कर रहे हैं उससे बहुत कम खर्चे में आप त्रिफला खाइए, च्यवनप्राश से भी ज्यादा असर। तो मेरी आपको आज के लिए ये आखिरी सूत्र थी कि आप अपने जीवन में वात पित्त कफ तीनों को सम रखना चाहते तो आंवला, हरडे, बहेड़ा, हरडे, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों का उपयोग करना सीख लीजिए। घर में हमेशा इसको डब्बे में बना के पाउडर के रूप में रख लीजिए। अब आप कहेंगे इन तीनों को एक साथ खाएं, आप अकेला आंवला भी खा सकते हैं। आंवला तीनों दोष दूर करता है, वात पित्त कफ, हरडे तीनों दोष दूर करता है, वात पित्त कफ, और बहेड़ा तीनों दोष दूर करता है, वात पित्त कफ। इसलिए भागवत जी कहते हैं सर्वोत्तम फल यही है, आंवला, हरडे, बहेड़ा। दूसरे फलों से कई गुने ज्यादा ताकतवर यही फल है आंवला, हरडे, बहेड़ा। अब आपको आखिरी एक छोटी सी बात कह दूं कि आप में से